साउथ कोरिया में एक ऐसा अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसे लेकर मेडिकल जगत हैरान है। एक मेडिकल जर्नल में छपी खबर के मुताबिक 63 साल की महिला मुंह से ही प्रेग्नेंट हो गई। दरअसल महिला के मुंह में स्क्विड के 12 बच्चे पल रहे थे। डॉक्टर्स ने मेडिकल साइंस में इसे अपनी तरह का पहला मामला बताया है। जर्नल ऑफ पैरासाइटोलॉजी के मुताबिक महिला ने एक रेस्टोरेंट में कालामारी ऑर्डर किया था। कालामारी सी फूड है जो समुद्री जीव स्क्विड से बनती है। महिला ने बताया कि उसने जैसे ही स्क्विड को मुंह में रखा उसे खाया नहीं गया। दरअसल स्क्विड अधपका ही उसके सामने परोसा गया था। महिला ने जैसे ही उसके टुकड़े मुंह में रखे तो अंदर से लगातार कीड़ों के काटने जैसा एहसास हुआ। कुछ दिनों बाद महिला के मुंह में काफी दर्द उठने लगा। डॉक्टर्स की जांच में रिपोर्ट हैरान करने वाली थी। जांच में पता चला कि महिला के जीभ और मसूड़ों में 12 स्क्विड पल रहे थे। महिला ने पूरी बात समझने के बाद डॉक्टर्स को बताया कि यह अपनी तरह का पहला मामला है। महिला ने जब अधपका स्क्विड खाया तो उस स्क्विड ने स्पर्म महिला के मुंह के टिश्यू में इंजेक्ट कर दिए, इसलिए महिला को काटे जाने का एहसास हुआ था। डॉक्टर्स ने बताया कि महिला के मुंह में पल रहे स्क्विड स्पर्मेटोफोर्स जापानी फ्लाइंग स्क्विड प्रजाति के थे। अमर उजाला.com